ये काका, ये हवेली तो बहुत सुंदर है। हाँ बाबू, सुंदर तो है, लेकिन मैं एक बार फिर बोलूँगा, ये हवेली मत खरीदो बाबू। अरे काका, क्यों डर रहे हो आप? क्या बातें बताओ बाबू, ये हवेली शापित हवेली है, लोग यहाँ नहीं रहने आते हैं। अरे बाबा सुनो, मेरी नई नई शादी हो रही है और नई बहू को मैं लेकर यही आऊँगा। एक माँ है और एक बहू है, बस यही रहेंगे हम लोग। वो इस घर को देखकर खुश हो जाएगी। हाँ लेकिन मुझे नहीं पता था इतना बड़ा घर मुझे सस्ते में मिल जाएगा। और तुम किस जमाने में जी रहे हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है काका। अरे बाबू, मैं तो बोलूँगा नई पत्नी को लेकर इस घर में मत रहो, नई बहू के साथ इस घर में रहना अच्छी बात नहीं है बाबू। अरे काका तुम बस सुनो, इसकी साफ सफाई करवा दो और कल मैं यहाँ अपने परिवार को लेकर आ जाऊँगा। बाकी सारी चीजें तुम भूल जाओ, ये गांव वालों का फैलाया हुआ अफवाह है और कुछ नहीं। ठीक है बाबू, जैसा तुम कहो, मेरा काम था तुम्हें बताना, मैं साफ सफाई करवा दूंगा, तुम जाओ। गोपू हवेली से निकलकर बाहर आ जाता है। इधर अचानक से रामू काका को कुछ दिखाई देता है। मुझे जाने दो। कैसे? और रामू काका अगले दिन गायब हो जाते हैं। अरे लगता है रामू काका चले गए हैं। चलो मालती और चलो माँ, अंदर चलो। अपनी माँ और नई बहू के साथ गोपू हवेली में आ जाता है। अच्छा तो मालती, तुम्हें ये हवेली कैसी लगी? सुंदर है ना? अरे सिर्फ सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। अच्छा तो अब मैंने तुम्हें ये हवेली खरीद कर दी, तुम भी मुझे खाना वाना दो। इस ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें खाना देती हूँ नहीं हूँ। अच्छा मैं चली रसोई घर में खाना बनाने के लिए। मालती रसोई घर में चली जाती है और खाना बना रही थी, अचानक से उठती है और फिर कुछ सामान लाने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके होश उड़े हुए हैं। अरे अरे ये क्या? एक कटा हुआ हाथ रसोई घर में खाना बना रहा था। तभी मालती की सास आ जाती है। अरे मालती क्या हो गया बेटा, से चेहरे में इतनी परेशानी और तुम डरी हुई भी लग रही हो। माँ माँ, मैंने यहाँ पर एक कटा हुआ हाथ देखा जो खाना बना रहा था। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा तुम बहुत थक गई हो, कल बहुत सारा काम किया है तुमने ना, घर की साफ सफाई और चीजों को रखना। तुम जाओ आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ, तुम टेंशन मत लो। मालती की सास खाना बनाती है। तीनों डिनर टेबल पर बैठते हैं खाना खाने। अरे मालती तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। अच्छा ऐसा क्या हो गया कि भूख नहीं है? अरे गोपू, इसने किचन में कोई कटा हुआ हाथ देख लिया है, उसी से ये बच्ची डर गई है। अरे माँ तुम लोग भी ना ऐसे बकवास की बातों में यकीन करते हो, वो थकी हुई है। और मालती तुम ये टीवी शीवी देखना बंद करो, बहुत ज्यादा टीवी देखती हो, तुम्हारे दिमाग में उलूल जुलूल चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो, ये हवेली को वो बदनाम करके रखना चाहते है ताकि कोई इस हवेली को खरीदे ना। अगले दिन गोपू माँ को लेकर चला जाता है हॉस्पिटल और फोन करता है मालती को। मालती सुनो, मुझे आने में देर हो जाएगी, माँ क्या ट्रीटमेंट थोड़ा देर से हो रहा है, तुम अकेले रुक जाओगी ना उस हवेली में? हाँ हाँ मैं रुक जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से माँ को लेकर आइए, कोई परेशानी नहीं है। गोपू निश्चिंत होकर माँ का इलाज कराने लगता है। इधर अरे ये किसके रोने की आवाज आ रही है, ये आवाज तो बाथरूम से आ रही है। और वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है, बाथरूम का सीन देख वो डर जाती है। अरे बाप रे ये कौन है? तभी वो मुड़ती है तो देखती है
वो औरत जिसे वो बाथरूम में रोते हुए देख रही थी वो गायब हो गई है। मालती बहुत ज्यादा बीमार जैसा महसूस करने लगी। तभी गोपू और माँ पहुँचते हैं। अरे मालती, क्या हो गया? अरे बेटा, तेरा चेहरा इतना सूखा हुआ क्यों है? तू डरी हुई क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तुमने फिर से कोई भूत भूत देख लिया क्या? अरे तू चुप कर गोपू, तुझे हर बात में मजाक सूझता है। ये मजाक नहीं है, बहू परेशान है। चलो बेटा, चलो मैं तुम्हें आराम करवा देती हूँ, चलो। धीरे धीरे मालती बीमार रहने लगी। अरे बेटा, इसको किसी कविराज से दिखलाते हैं। अरे माँ, कविराज नहीं, इसे दिखाना होगा डॉक्टर से। इन चक्करों में नहीं पड़ना होगा। अरे बेटा तू चुप कर, मुझे दिखलाने दे इसे। तभी मालती चिल्ला पड़ती है, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम लोग नहीं रहते हो तो वो आ जाती है, मेरे सीने पे चढ़ जाती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा, वैसे ही मरना होगा जैसे मैं मरी थी। अरे अरे मालती, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम्हें जैसा लगता है तुम बुला लो कविराज को। माँ कविराज को बुलाती है। तुम लोग इस घर को छोड़कर क्यों नहीं गए? इस घर में क्यों तुम लोग रुके हुए हो? अरे बाबा, नोट क्या पेड़ पर फटते हैं, जो तोड़ लूं? इस घर को खरीदा है मैंने, अब नोट कहाँ से लाऊंगा कि नया घर खरीदूंगा? अरे बाबा, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, ये भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता है। हमें कुछ उपाय बता दो, किसी तरीके से हमारी बहू को ठीक कर दो। उपाय है, लेकिन वो उपाय बहुत खतरनाक है। मेरे भाई ने अपनी जान गंवा दी थी इस हवेली के लिए, और तुम्हें ये सूझ रहा है? ये हवेली अभिशापित हवेली है, इसे तो बंद कर दिया गया था, तुमने इसे खोला है, और यहाँ पर आत्मा है। वो आत्मा जब तक खुश नहीं होगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, और मौतें ही मौतें होंगी। मेरे भाई ने कहा था मौत का सिलसिला बंद करने के लिए, उसने सारा उपाय करके इस हवेली को बंद कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने इस हवेली को खोल दिया। उन्होंने कहा था हवेली खुला और कोई नई बहू आई तो मौत का खेल फिर शुरू होगा। मुझे समझ में आ गया, इस बंदे से कुछ नहीं होने वाला है। माँ, मैं इसे लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसे ले जा सकोगे? तुम इसे नहीं ले जा सकोगे, इसे मरना होगा, इसे मेरी ही तरह मरना होगा, और कोई उपाय नहीं है। अरे अरे, तुम कौन हो? तुम मेरी मालती को छोड़ दो, मेरी मालती ने कुछ नहीं किया है। मैंने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझे मौत मिली, तिल तिल कर मौत मिली। ये घर मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। ए, अभी छोड़ दे इसके शरीर को, वरना मैं तुम्हें जल से भस्म कर दूंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, रुको, मुझे जानना है इनको कैसे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति? तू मुझे मुक्ति देगा? ये घर मेरा था, मैं जमींदार की बेटी थी, और मुझसे ब्याह करने के लिए शहर का बड़ा उद्योगपति आया। वो उसने मुझसे शादी की और मुझे बताया शादी की रात। अरे तुम्हें क्या लगता है, ये भद्दी सूरत वाली लड़की, मैंने तुझसे शादी की है? मैंने तो शादी की है इस हवेली इस जायदाद को पाने के लिए, और अब देख मैं तुझे अपनी जिंदगी से कैसे बेदखल करता हूँ। एक दिन उसने मेरा हाथ काट दिया, कई कई दिनों तक मुझे बाथरूम में बंद करके रखता रहा, मैं रोती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा रहने दो। चल चल, तुझे ले जाता हूँ, आज तुझे मुक्ति ही दे देता हूँ। वो मुझे छत पर घसीट लाया, उसने आग लगा दी और मेरी मौत हो गई। मैं किसी को सुखी नहीं देख सकती, कोई लड़की सुखी नहीं रहेगी, मैं सुखी नहीं रही तो कोई भी नहीं रहेगी। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है
तुम मालती के बदले मेरी जान ले लो और इसे छोड़ दो। अच्छा, तू अपनी जान देगा? बहुत प्यार करता है मालती से। आ इधर, आ जा इधर, तो मैं तेरा ही जान ले लूंगी। अरे बाबू मत जाओ, गोपू गोपू उधर मत जाओ। गोपू चला जाता है उसके पास। तू सच्चा है, तेरी जरूरत है तेरी माँ को, तेरी पत्नी को। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़कर चली जाती है। गोपू और उसका परिवार हवेली में सुखी से रहने लगता है।